इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एक्स्ट्रालाइट माइल्ड क्रीम का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार किया जाना चाहिए। इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने हाथ धो लें। उपयोग से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करने की सलाह दी जाती है। यह केवल बाह्य उपयोग के लिए है। अनुशंसित खुराक से अधिक इस दवा का उपयोग न करें। यदि आपको इस दवा से कोई एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। इस दवा के सामान्य साइड इफेक्ट्स में लालिमा, चुभन, जलन और आवेदन स्थल पर त्वचा का छिलना शामिल है। यदि ये दुष्प्रभाव या कोई अन्य लक्षण जो आपको लगता है कि इस दवा के कारण है, लंबे समय तक बने रहते हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श करें। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराने वाली किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। एक्स्ट्रालाइट क्रीम के फायदे। मेलास्मा। मेलास्मा त्वचा की एक आम समस्या है जो मुख्य रूप से चेहरे पर आपकी त्वचा पर काले फीके पड़ चुके धब्बे का कारण बनती है। यह अक्सर गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के दौरान होता है। एक्स्ट्रालाइट माइल्ड क्रीम मेलेनिन प्राकृतिक त्वचा वर्णक के उत्पादन को कम करके इन काले धब्बों को हल्का करने में मदद करती है। यह त्वचा की बनावट में सुधार करता है और एक चिकनी दिखने वाली त्वचा देता है। यह डार्क स्पॉट्स का दिखना भी कम करता है। जैसे जैसे आपका स्वरूप बदलता है, यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। जब तक पूरा लाभ पाने के लिए इसे निर्धारित किया गया है तब तक इसका उपयोग करते रहें। एक्स्ट्रालाइट क्रीम के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। एक्स्ट्रालाइट के सामान्य दुष्प्रभाव। त्वचा का छिलना, जलन होती है, आवेदन साइट लाली, चुभने वाली अनुभूति। एक्स्ट्रालाइट क्रीम का उपयोग कैसे करें? यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में इसका इस्तेमाल करें। उपयोग से पहले दिशाओं के लिए लेबल की जांच करें। प्रभावित जगह को साफ करके सुखा लें और क्रीम लगाएं। लगाने के बाद अपने हाथ धोएं, जब तक कि हाथ प्रभावित क्षेत्र न हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।